दिसंबर 1946 में संविधान बनाने का काम शुरू होते ही 600 साल पुरानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स से सिर्फ 6 दिन पुरानी भारत की संविधान सभा पर जोरदार आक्रमण किया इंडिया को अपना गुलाम समझने वाले सर विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल साहब की हिमाकत देखी आपने मौलाना? हाउस ऑफ कॉमन्स में जनाब फरमाते हैं कि एनी अटेम्प्ट बाय द कांग्रेस पार्टी टू एस्टैब्लिश हिंदू रूल ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी विल बी फेटल टू एनी कंसेप्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। दिस यूनिटी वॉज अ सुपरफिशियल अपीयरेंस इम्पोज्ड देयर बाय द लॉन्ग जनरेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इट वुड पास अवे Once the impartial guidance from the outside is withdrawn. बकवास। इलेक्शन हारने से चर्चिल साहब का दिमाग फिर गया। कैद आजम, listen to this. Churchill says even more in his speech. The British government owed special protection to the Muslims, numbering 90 million. But today they've been outwitted and outmaneuvered. This is exactly what I have been saying all along. Therefore, this meeting in Delhi is not the proposed Constituent Assembly, and it represents only one major community in India. Right. Churchill knows how to call a spade a spade. जनाब आगे फरमाते हैं, इरशाद, if a bride or a bridegroom fails to turn up at the church, the result is what is called a unilateral wedding. The absolute essence is that Both parties should be there. और वो खुद क्या हैं? दुल्हन के बाप? कमाल है, कमाल है। मुस्लिम लीग की गैर मौजूदगी सबको खल रही थी और जब जिन्ना साहब ने कहा कि उनकी वर्किंग कमेटी 20 जनवरी को तय करेगी कि कब वो संविधान सभा में आएंगे तो डॉक्टर एम आर जयकर ने प्रस्ताव रखा कि जब तक रजवाड़ों या कम से कम मुस्लिम लीग के लोग संविधान सभा में नहीं आते तब तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस और वोट को मुलतवी कर देना चाहिए पर हर किसी को यह बात गवारा नहीं थी। इफ दिस रेजोल्यूशन इज पोस्टपोन्ड व्हाट गारंटी इज देयर दैट द मुस्लिम लीग विल कम एंड अटेंड द सेशंस माय चार्ज इज दैट द मुस्लिम लीग हैज बीन एनकरेज्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश To imagine that if it does not come, it may be able to veto the final decision of the Constitutional Assembly. Dr. Shyama Prasad Mukherjee ke theek baad, pehli baar Samvidhan Sabha mein bolne khade huye Dr. Bhim Rao Ambedkar. Today, we are divided politically, socially and economically. We are a group of warring camps. And let me confess, that I am probably one of the leaders of such a camp. But sir, I'm quite convinced that given time and circumstances, nothing in the world will prevent this country from becoming one. However, I find no reference to the idea of grouping in the objectives resolution. Personally, I do not like the idea of grouping. But I always thought the Congress party had agreed that if the provinces which are placed under different groups consent to form a union or sub-federation, it would have no objection. Then why is there no mention of this? An omission that is bound to prevent the Muslim League from entering this assembly. I'm not asking you to consider whether you have the right to pass this resolution straight away or not. It may be that you have the right to do so. The question I'm asking is this. Is it prudent for you to do so? जिन्ना साहब के इंतजार में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का काम 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया पर चर्चिल साहब की बेबुनियाद बातों का फौरन जवाब देना जरूरी था और ये काम किया खुद सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में
अभी पिछले दिसंबर में मिस्टर चर्चिल ने फरमाया कि हमारी ये संविधान सभा भारत के केवल एक धर्म के लोगों की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये असेंबली सिर्फ हिंदुओं की एक सभा है, और साथ में उन्होंने ये सवाल भी उठा दिया कि वेदर दिस मीटिंग ऑफ कास्ट हिंदूज इन दिल्ली कैन बी रिगार्डेड बाय द गवर्नमेंट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट ऑल। इस किस्म के बयान ना सिर्फ तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं, बल्कि गलत और भ्रामक बातें भी फैलाते हैं, और इसी वजह से मैं ये जरूरी समझता हूं कि आज हम यहां सच को सामने रखें, और सच ये है कि इस प्रिलिमिनरी सेशन में 296 मेंबर्स में से 210 ने इस संविधान सभा में हिस्सा लिया, और इन 210 मेंबरान में से 155 हिंदू, 30 शेड्यूल कास्ट, 5 सिख, 6 इंडियन क्रिश्चियंस, 5 बैकवर्ड ट्राइब्स के नुमाइंदे, 3 एंग्लो इंडियंस, 3 पारसी, और 80 में से 4 मुसलमान भी शामिल रहे हैं। सबसे बड़ी कमी मुस्लिम लीग के सदस्यों की रही है, और हम सबको इस बात का बेहद अफसोस है, लेकिन जो संख्याएं मैंने गिनाई हैं उनसे यह साफ जाहिर हो जाता है कि इस असेंबली को सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी का नुमाइंदा बताना या सिर्फ हिंदुओं की सभा कहना तथ्यों के साथ सरासर खिलवाड़ है। 20 जनवरी को जिन्ना साहब ने बिना कोई वजह बताए मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी की मीटिंग फिर टाल दी, लिहाजा डॉक्टर जयकर ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को स्थगित करने का अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया, और 22 जनवरी को संविधान सभा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कर दिया गया। जवाब में कायदे आजम जिन्ना ने संविधान सभा में आना तो दूर, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही गैर कानूनी और नाजायज करार दे डाला। द वर्किंग कमिटी ऑफ द मुस्लिम लीग इज एम्फेटिकली ऑफ द ओपिनियन दैट इलेक्शंस टू एंड द समनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट एंड एम्फेटिक ऑब्जेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग वेयर हैव बीन इश्यू वॉइड इनवैलिड एंड इलीगल as the major parties had not accepted this statement and the continuation of the constituent assembly and its proceedings and its decisions are ultra vires, invalid, illegal and therefore it should be dissolved forthwith. Udhar chamber of princes yani raje rajwade bhi pandit nehru ke prastav se bahut ghabraye hue the. नवाब साहब भोपाल ने राजघरानों की हड़बड़ाहट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर की। हमें मजबूरन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी है, क्योंकि पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास करवाया है वो कैबिनेट मिशन में तय की गई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन को लाने और पास करवाने के हम पूरी तरह से खिलाफ हैं। सर, जैसा कि पंडित नेहरू जी ने कहा है कि उनको जाती तौर पर ना तो राजशाही पसंद है, ना राजा और ना ही नवाब, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पंडित नेहरू को अपनी जाती राय रखने की और उसका इजहार करने की मुकम्मल आजादी है, लेकिन हां, अगर उन्होंने अपना बनाया हुआ कोई कानून हम पे जबरदस्ती थोपने की कोशिश की तो हिंदुस्तान के 550 शाही घरानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। यहां देखने की बात यह है कि मेजॉरिटी पार्टी के अभी से ये तेवर हैं,
तो अंग्रेजों के जाने के बाद हमारा क्या होगा ये तो खुदा ही जाने। उसके लिए हम अपने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का रेजोल्यूशन आपके सामने रखेंगे। द प्रिंसेस चैम्बर वॉन्ट्स टू मेक इट क्लियर इन अनइक्विवोकल टर्म्स दैट देयर कुड बी नो कंप्रोमाइज ऑन द मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडियन स्टेट। Some checks and breaks have to be provided against the majority party running amok in the future governance of India. And the chamber demands that there are guarantees and assurances given that territories of the princely states are not interfered with once the British have left. And we will be free to follow our customs and rules as far as the succession is concerned. Constituent Assembly ka pass kiya hua objectives resolution bade hi khatarnak imkanaton se labrez hai aur isiliye humne saaf saaf chamber of princes ka resolution sabke samne rakha hai। सन 47 की शुरुआत में यहाँ हिंदुस्तान में लोग संविधान सभा से तमाम उम्मीदें लगा रहे थे और तरह तरह की मांगें उठा रहे थे, लेकिन वहाँ इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री एटली ने एक महत्वपूर्ण पर नाटकीय घोषणा कर डाली। ये ऑल इंडिया रेडियो है। आज प्राइम मिनिस्टर एटली ने एक बयान में फरमाया कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट को बड़े अफसोस से इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों में अब भी शदीद इख्तलाफ की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। इस नाजुक मौके पे गैर यकीनी हालात के होते हुए मुल्क को बड़ा खतरा है। चुनांचे हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ये वाजे करना चाहती है कि एक ठोस कदम उठाने का उनका इरादा अब टल नहीं सकता और वो हिंदुस्तान की बागडोर हिंदुस्तानी हाथों में सौंपने की तारीख जून 1948 के आगे नहीं बढ़ा सकती और ब्रिटिश इंडिया की बागडोर हिंदुस्तानी हाथों में सौंपने की जिम्मेदारी होगी नए वाइसरॉय एडमिरल वाइकाउंट माउंटबेटन की, ताकि हिंदुस्तान खुद मुख्तारी से आगे चलकर एक खुशहाल और खुशबाश मुल्क बन पाए। असली इम्तिहान तो अब आएगा जवाहर, जब हमें अपनी सरकार बनानी और चलानी पड़ेगी। हम तैयार हैं बापू, सरदार के साथ मिलकर मैंने एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। बस हमने अपनी लिस्ट में ऐसे किसी को नहीं रखा है जो हमारी सोच का हिमायती न हो और जो अब तक अंग्रेजों का चाटुकार रहा हो। सरदार, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया हो, पर अंग्रेजों की सेवा करके वो हमारे दुश्मन तो नहीं बन जाते हैं ना? वो भी आखिरकार हिंदुस्तानी ही है, और अगर अब उन्हें मौका मिलेगा तो वो हिंदुस्तान के लिए भी अपना हुनर दिखाएंगे। ठीक बात है बापू, कैबिनेट के 14 लोग छांटते वक्त हमें और किसी बात को नहीं सिर्फ हुनर को तरजीह देनी चाहिए। एक और बात का ख्याल रखना होगा आपको, 14 में से 7 लोग ऐसे हों जो कांग्रेस के ना हो, और ये भी कि आपके मंत्रिमंडल में औरतें हों, मुसलमान हों, पारसी हों, सिख हों और हरिजन हों। बापू, जगजीवन राम जी का भी नाम हमारे फहरिस्त में है, और अंबेडकर, वो मेरा पुराना विरोधी है, पर यह बात भी सच है कि संविधान और कानून के बारे में जितना वो जानता है शायद कोई जानता हो पूरे देश में।
और अगर आपने अंबेडकर के ज्ञान और अनुभव का फायदा नहीं उठाया तो नुकसान उसका नहीं हिंदुस्तान का होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने आते ही सारे नेताओं से मुलाकात की, सबसे पहले पंडित नेहरू से जिन्हें वो पहले से जानते थे। दोनों इस बात पर एकमत थे कि सबसे बड़ी चुनौती होगी जिन्ना साहब की जिद, और हुआ भी यही। जब जिन्ना साहब माउंटबेटन से मिलने पहुंचे वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि उन्हें पूर्व में बंगाल और असम और पश्चिम में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अपने पाकिस्तान के लिए चाहिए, और साथ में चाहिए एक गलियारा जो दिल्ली, रामपुर, लखनऊ और पटना से होते हुए कलकत्ता जाएगा। पर जब माउंटबेटन ने कहा कि कांग्रेस ऐसा गलियारा कतई नहीं बनने देगी और पूरे बंगाल और पंजाब का तो सवाल ही नहीं उठता, तो जिन्ना साहब बोले, बेटर अ मॉथ ईटन पाकिस्तान दैन नो पाकिस्तान एट ऑल। पर बापू अभी भी अपने काठियावाड़ी भाई को समझाने में लगे हुए थे। May I have some salt, please? Sure. Mere bhai Jinnah, I will plead with you 70 times 7 if the need be. But I can never agree to your idea of dividing India. In that case, let's agree to disagree on the question of partition. But I'm entirely with you on the question of signing an appeal to both Hindus and Muslims to keep peace. If you want, you can have a look at the draft typed by my assistant. I need not read anything that you ask me to sign. Pehle aap. मैं लॉर्ड माउंटबेटन से कहने जा रहा हूं कि अगर जरूरत पड़े तो वो अंतरिम सरकार को बर्खास्त करके जिन्ना को दावत दें और कहें कि वो अपने मन की सरकार कायम कर लें। बस पाकिस्तान बनाने की मांग छोड़ दें। बापू, आप अपनों की बलि चढ़ाकर एक ऐसे आदमी की हिमायत कर रहे हैं जिसने सारी जिंदगी आपका विरोध किया है। अगर मेरे अपनों की बलि चढ़ाकर हिंदुस्तान बच जाता है तो सौदा महंगा नहीं है सरदार। बापू, ये आपका ज्यादा ख्याल हो सकता है। आपको लगता है कि सेंट्रल असेंबली इस बात पर आपका साथ देगी? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि कांग्रेस सदन में अपने बहुमत का इस्तेमाल जिन्ना की सरकार को रोकने के लिए नहीं करेगी। बाबू, मैं हमेशा आपकी बड़ी इज्जत करते आया हूं, लेकिन अब आपकी बात मुझे अजीब लग रही है। फर्ज कीजिए हमने जबान दे भी दी तो आपको क्या लगता है कि जिन्ना साहब एक पल भी कांग्रेस का यकीन करेंगे? और फिर सदन में इतने सारे लोगों को समझाना क्या आसान होगा कि आप सारे के सारे चुपचाप हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहो कि कैसे जिन्ना जैसे तानाशाह की मनमर्जी चलती है? ना ना ना, ऐसे पागलपन के स्वांग में हिस्सा लेने के बजाय मैं सभा से इस्तीफा देना पसंद करता हूँ। बापू, लॉर्ड माउंटबेटन खुद जानते हैं कि इन हालात में मुस्लिम लीग को सरकार बनाने देना बिल्कुल फजूल की बात होगी। शायद आप लोग बेहतर समझते हैं। वैसे भी मेरे जैसे बूढ़े का यहां क्या काम? मुझे तो बिहार और बंगाल में होना चाहिए।
जहां दंगे फिर भड़क रहे हैं, यहां तो आप लोग हैं ही दिल्ली संभालने के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक समझौते तक लाना शेर बकरी को एक साथ चराने जैसा था, पर सब तरफ निराशा नहीं थी। अप्रैल के अंत में जब संविधान सभा दूसरी बार मिली तो कई रजवाड़ों के नुमाइंदे उसमें शामिल हो चुके थे। बरोड़ा, कोचिन, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, रीवा और पटियाला जैसे महत्वपूर्ण राजघरानों के प्रतिनिधि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। The Constituent Assembly welcomes the representatives of the princely states and expresses the hope that others who have not chosen their representatives will take immediate steps to do so. विडंबना ये थी कि जिस वक्त भारत के नागरिकों को ये डर था कि वो भारत के ही नागरिक रहेंगे या बंटवारे के बाद एक नए मुल्क के बाशिंदे बन जाएंगे, उस वक्त संविधान सभा में भी नागरिकता पर ही बात हो रही थी। Now I come to clause 3. Every person born or naturalized in the union according to law shall be a citizen of the union. Sir, क्या संघ में पैदा होने वाला हर बाशिंदा, भले वो जर्मन हो या जापानी, इस देश का नागरिक बन जाएगा और भारतीय नागरिक के सारे हक भी पा जाएगा? मगर इन शब्दों पर भी तो गौर कीजिए महोदय। सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन, यानी विदेशी राजदूतों और डिप्लोमेट्स के यहां पैदा होने वाले बच्चे हमारे नागरिक नहीं बन जाएंगे। पर मान लीजिए कोई जापानी महिला हिंदुस्तान से गुजर रही है और उसको बच्चा हो जाता है तो क्या होगा? The American Supreme Court says that a casual visitor will not fall in this clause. And what happens to a man who is not passing through, but stays for trade or some other purposes? Sir, मेरा प्रस्ताव है कि हम इस क्लॉज को फिलहाल पोस्टपोन कर दें और कल इस पर चर्चा करें। For the time being, let us accept the general principle. We need not manufacture a law of nationality overnight. Before 11 o'clock tomorrow morning. I will request lawyers and jurists who are members of this house to pay attention to this clause and a committee of 3 lawyers is formed. Sir, I suggest that in addition to 3 lawyers, one man of common sense should also be added. And I do not exclude lawyers from the category of people of common sense. हंसी के ठहाके तो लग रहे थे, मगर स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही थी। जिन्ना साहब अपनी जिद पूरी करके ही दम लेंगे, ये उन्होंने ठान लिया था। Division of the armed forces, division of the staff of central civil departments, railways, post and telegraphs, public works, income tax, customs, central excise, power, the list goes on. Divorce of 400 million people in just 10 weeks is an impossible task, Qaid-e-Azam. It will at least take a year, and that too if Allah is with us. I do not have that much of time. Pakistan will have to come into existence before these congressmen poison the mind of Mountbatten, who has dreams of becoming the Governor General of Pakistan. And that will never be. Actually, Jawaharlal is the problem. He told the Viceroy there will be no division of any assets, as some part are just seceding from the entity called India, and the seceding parts will have to build up their own assets, administrative records and machinery. Secession, my foot. It is not a question of secession. It is going to be a division of India, and both Nehru and Mountbatten better understand that. Otherwise, I'm going to call for another direct action day. ऐसे में जब वाइसरॉय माउंटबेटन ने हिंदुस्तान के बंटवारे की तजवीज सामने रखी तो कई लोग सोचने लगे कि जहर पूरे देश में फैल जाए, इससे बेहतर यही होगा कि शरीर का बीमार भाग काटकर अलग कर दिया जाए। इस माहौल में
कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। आप सब ने लॉर्ड माउंटबेटन की तजवीज सुनी है, कैसे वो हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को खुद मुख्तारी का हक देना चाहते हैं। इससे एक तरफ जहां भारत के कट जाने का डर है, वहां दूसरी तरफ आजादी की उम्मीद नजर आती है। इसलिए हमने फैसला किया है कि इस प्रस्ताव को हम मंजूर कर लें। कांग्रेस पहले तो मुस्लिम लीग को ढील देती चली गई कि शायद अब वो संविधान सभा में आ जाएंगे, पर इससे हमें मिला क्या? दंगे, लूटमार, आगजनी। हमें अहिंसा और स्वराज के अपने सिद्धांत को सामने रखकर ही कोई फैसला करना चाहिए था, पर अब तो एकमात्र लोकतांत्रिक तरीका यही बचा है कि हम माउंटबेटन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दें। मुझे नहीं लगता कि हमारा यह फैसला सही है, मगर शायद हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। बदकिस्मती से इस वक्त हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ कत्ल वगालत और दूसरी तरफ लीग की जिद के आगे झुकना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये लकीर लोगों के दिलों की नहीं, सिर्फ नक्शे की तकसीम कर रही है, और इंशाअल्लाह ये जो बंटवारा है ये चंद ही दिनों की बात है, और जल्द ही हम फिर से एक हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदा भारतवासियों की बात उठाई है, कभी हिंदू या मुसलमान की नहीं, जैसा हम आज कर रहे हैं। हमने हमेशा अक्षुण्णता और अखंडता की बात की है, और यदि आज हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो एक समरस भारत का हमारा सपना चूर चूर हो जाएगा। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे अंग्रेजों की गुलामी तो स्वीकार है, लेकिन देश का बंटवारा मुझे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। आज भारत के सामने अपनी आजादी का एक अवसर आया है, इस अवसर को क्या हम हाथ से चले जाने देंगे? ये कहना सही नहीं है कि पहले अंग्रेजों को चले जाने दो, फिर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, संभाल लेंगे। अरे कैसे हल करेंगे हम सारे सवाल? क्या हाल होगा उनके चले जाने के बाद, ये कभी किसी ने सोचा है? मेरी बात शायद कुछ लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन कभी कभी पूरे शरीर में रोग फैल जाने देने से अच्छा होता है अपने बीमार अंग को काट कर फेंक दे, अलग कर दे शरीर से। 3 जून 1947, वाइसरॉय माउंटबेटन ने रेडियो पर वो शब्द बोले जिन्होंने देश के नक्शे को ही नहीं, न जाने कितने दिल, घर, परिवार और जिंदगियों को भी काट डाला। टू माई ग्रेट रिग्रेट, इट हैज बीन इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एग्रीमेंट आइदर टू द कैबिनेट मिशन प्लान or any other plan that may preserve the unity of India. But there can be no question of coercing of any large area in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion is partition. Partition of India, partition of Punjab and Bengal. 3 जून की घोषणा ने पूरे देश में एक खलबली मचा दी थी। हर तरफ से हिंसा और तनाव की खबरें आ रही थीं, पर संविधान सभा को तो अपना काम करना था। 14 जुलाई को जब सभा दोबारा मिली तो खुशी की बात यह थी कि मुस्लिम लीग के लोग भी उसमें मौजूद थे। हाँ, भारत के सिर्फ उन हिस्सों से जो बंटवारे में नए मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं जा रहे थे। Members who have not yet presented their credential will now do so and sign the register. Haji Abdul Sattar Ishaq said from Madras. Sir, I would like to raise a point of order. Does the honorable member, Mr. Haji Abdul Sattar, still subscribe to the two nation theory? This is not a point of order. It is a question of the right of the member elected to the Constituent Assembly. And I cannot prevent any elected member from signing the register. You may go ahead, please. Further on the list, B. Pokhar Sahab Bahadur, Madras.
Mahmood Ali Beg Sahib Bahadur Madras, Maulvi Syed Mohammed Sadullah Assam, Dr. B.R. Ambedkar Bombay. Dr. Ambedkar ko dobara is bar Bombay se chunkar aana pada kyunki batware mein unki seat purvi Pakistan ja chuki thi. Ha fayda hua to sirf itna ki 552 mein se zyada tar rajwade ab Bharat ka hissa banna manzoor kar chuke the. The next item is the motion to be moved by Honorable K.M. Munshi. महोदय, इस सप्ताह के अंत तक ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत की आजादी का लेजिस्लेशन पारित कर चुकी होगी और 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी. वो स्वतंत्रता जिसका हमें सदियों से इंतजार था. हमारे देश में अब एक तरह की समानता आ गई है, हालांकि स्वयं देश की सीमाएं सिकुड़ गई हैं. अब हम एक आजाद और सशक्त भारत के उद्देश्य की ओर पूरे जोश और उल्लास से आगे बढ़ सकेंगे. महोदय, हमारे दरमियान मुस्लिम लीग के नुमाइंदे भी उपस्थित हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि वो भारत के देशभक्त और कानून का पालन करने वाले नागरिक की हैसियत से यहां रहेंगे और संविधान रचने में पूरी तरह हमारी सहायता भी करेंगे ताकि उनकी माइनॉरिटी को इस देश में एक सम्मानित स्थान मिले. मिस्टर प्रेसिडेंट, आई शुड हैव थॉट देयर वाज नो नीड फॉर एनी डाउट व्हाटसएवर रिगार्डिंग द फैक्ट that we have come here as the law-abiding and loyal citizens of India. एक हफ्ते बाद 22 जुलाई के दिन पंडित नेहरू जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने प्रस्ताव नहीं कपड़े के दो टुकड़े सभा के सामने रखे. It is my proud privilege to move the following resolution. Resolve that the national flag of India will be horizontal tricolor of deep saffron, white and dark green in equal proportions. In the center of the white band, there shall be a wheel in navy blue to represent the charkha. The design of the wheel shall be that of the chakra, which appears on the abacus of the Sarnath Lion capital of Ashoka. I remember the ups and downs of our great struggle for freedom, and how this flag gave us the courage to go on. Many who are not present here today, many of our comrades who have passed away, held on to this flag, some amongst them even to their death, and handed it over as they sank to others to hold it aloft. So, in this simple form of words, there is much more than will be clear on the surface. There is the struggle of the people for freedom, with all its ups and downs, and trials and disasters. And there is finally today, as I move this resolution, a certain triumph about it. A measure of triumph in the conclusion of that struggle. So, I present this flag to you. Perhaps I am partial, but I do think it is a very beautiful flag to look at, and it has come to symbolize many beautiful things. Things of the spirit and things of the mind. I now present to you not only the resolution, but the flag itself. One in silk
and one in cotton. I beg to move this resolution. Mr. President, my amendment is that inside the chakra, in the white band, the swastika, the ancient Indian symbol of Shantam Shivam Sundaram be inscribed. But now that I have seen the flag, I find it somewhat hard to fit the swastika into the chakra. In these circumstances, I beg leave to withdraw my amendment. H.V. Kamat sahab ke liye har baat ka virodh karna zaruri tha. Par sadan ke baki sadasya Hindustan ke naye parcham ke saath the. Mohammad Sadullah ne khulkar apni baat rakhi. Janab Sadar, mere khyal mein hamara parcham sirf parcham nahi hai. Isme hamari ummeedon ke rang hain. ہماری جد و جہد اور قربانیوں کی کہانی بھی ہے. ہمارے مذہب اسلام میں یہی ہدایت دی گئی ہے اور مسلم لیگ کی ہائی کمانڈ اور قائد اعظم کا بھی یہی ماننا ہے کہ جو انسان جہاں رہے وہاں کی سرکار اور آئین کا وفادار رہے, اور اسی اصول کو مانتے ہوئے میں اس پرچم کو سلام کرتا ہوں جو یہاں ہاؤس میں پنڈت جواہر لال نہرو نے پیش کیا ہے. महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 27 वर्षों के इस स्वतंत्रता संग्राम में जिस तिरंगे के नीचे हमने स्वाधीनता प्राप्त की है, वही रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग हों, यह एक स्वाभाविक बात है. मुझे दुख है कि इस समय कुछ लोग सांप्रदायिकता में मदमस्त होकर आपत्तिजनक घटनाएं कर रहे हैं. अभी परसों की ही बात है, दिल्ली में हिंदी के संबंध में एक सभा हुई, वहां हुल्लड़बाजी हुई. इतना ही नहीं, कई मोटरों पर जो राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए थे उन्हें निकालकर फेंक दिया गया. मैं कहता हूं कि सांप्रदायिकता से मदमस्त होकर झंडे का अपमान करना सारे राष्ट्र का अपमान करना है. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. संविधान सभा का अगला यानी पांचवा सत्र शुरू होना था एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1947. 14 अगस्त की शाम से ही सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी, उस घड़ी के इंतजार में जिसका हर हिंदुस्तानी को जाने कब से इंतजार था. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम. शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनीं सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं. हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर, जब आज वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें
उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। और हम आज उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हंसते हंसते फांसियों के तख्ते पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार बन गए, जिन्होंने जेलखानों और काला पानी के टापू में घुल घुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, जिन्होंने बिना संकोच माता पिता, स्त्री संतान, भाई बहन और यहां तक कि अपने देश को भी छोड़ दिया, अपना धन जान सबका बलिदान कर दिया। आज ये उनके त्याग और तपस्या का ही फल है कि हम इस दिन को देख पा रहे हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी जी को भी भेंट करें जिन्होंने निराशा और मुसीबत के अंधेरे कुएं से खींचकर हमें बाहर निकाला, हमारे दिलों में ऐसी जिंदगी फूंकी कि हम में अपने जन्म सिद्ध अधिकार स्वराज के लिए दावा पेश करने की हिम्मत और ताकत आई, जिन्होंने हमारे हाथों में सत्य और अहिंसा का एक ऐसा अचूक अस्त्र दिया कि जिसके जरिए बिना हथियार उठाए स्वराज का अनमोल रत्न हमने हासिल कर लिया। जिस देश को ईश्वर और प्रकृति ने एक बनाया था आज उसके दो टुकड़े हो गए हैं। मुझे यह कहना पड़ता है कि इस बंटवारे से हमारे दिलों में दुख है, मगर इसके बावजूद हम आपकी और अपनी तरफ से पाकिस्तान के लोगों को अपनी नेक नियति, उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए अपनी सदिच्छा और सद्भावना प्रकट करना चाहते हैं। अब इसके बाद मेरा प्रस्ताव है कि हम सब उन वीरों की पुण्य स्मृति में जिन्होंने देश में और देश के बाहर हमारे स्वातंत्र संग्राम में अपनी बलि दी है कुछ क्षण मौन खड़े रहें। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सदर साहब, कई साल हुए जबकि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया है कि हम इसे पूरा करें, बल्कि वो पूरा तो शायद अभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे हैं। फिर मुनासिब है कि ऐसे वक्त में हमारा पहला काम यह हो कि हम एक प्रण, एक नई प्रतिज्ञा फिर से करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनटों में यह असेंबली पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली हो जाएगी और नुमाइंदगी करेगी
एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की। हमने एक मंजिल पूरी की है और आज उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं है। हमारे दिल में रंज के टुकड़े काफी हैं और दिल्ली से बहुत दूर नहीं बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहां की गर्मी यहां आ रही है। खुशी पूरे तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना होगा। अब मैं अपनी बात अंग्रेजी में भी पेश करूंगा। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्विस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी मस्ट रिडीम आवर प्लेज नॉट ओनली or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. When an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the larger cause of humanity. सारा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया नेहरू जी के अल्फाज सुन रही थी और घड़ी के 12 बजने का इंतजार कर रही थी। आई विल नाउ पुट द रेजोल्यूशन टू वोट। सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, देर आर टू अमेंडमेंट्स दैट आर स्टैंडिंग इन माय नेम। नो नो, बट सिंस द जीरो आवर इज फास्ट अप्रोचिंग, आई डू नॉट प्रपोज टू मूव माय अमेंडमेंट्स। Thank you. Thank you. Thank you. I will now put the resolution to vote. The members will please express their assent by saying aye. Aye. We have resolved as the clock strikes 12. We shall take the pledge. It is just half a minute to 12. I am expecting the clock to strike 12. अब जबकि हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं राजेंद्र प्रसाद, जो इस विधान परिषद का एक सदस्य हूं, शपथ लेने के बाद राष्ट्रीय ध्वज सबके सामने पेश किया गया। श्रीमती हंसा मेहता विल नाउ प्रेजेंट द नेशनल फ्लैग ऑन बिहाफ ऑफ द वुमेन ऑफ इंडिया। मैं प्रार्थना करती हूं इस तिरंगे की छत्र छाया में रहने वालों को सारे सुख और समृद्धि मिले। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। साथ ही श्रीमती सुचेता कृपलानी ने अल्लामा इकबाल का लिखा कौमी तराना गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और फिर संविधान सभा में पहली बार वो स्वर गूंजे जो आज भी हर हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े कर देते हैं और सीने चौड़े। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल।
आजाद देश की नई सुबह के स्वागत को सभी जाने माने लोग राजधानी दिल्ली में मौजूद थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, महात्मा गांधी, जो वहां से दूर कलकत्ता में थे, जहां वो बंगाल के मुस्लिम लीगी प्रधानमंत्री एच एस सोहरावर्दी के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने में लगे हुए थे। 15 अगस्त की सुबह भी हर रोज की तरह उन्होंने 5 बजे प्रार्थना सभा की। बापूजी, आज से हम आजाद हैं, तो आज आप इस खुशी के दिन को कैसे मनाएंगे? ऐसे खुशी के मौके तो ईश्वर की कृपा से ही आते हैं, सो मैं उसे याद करूंगा और धन्यवाद दूंगा। मेरा तो यही तरीका है। किंतु बापूजी, आज कुछ विशेष होना चाहिए था ना? हाँ, आज मेरे पुत्र महादेव का जन्मदिन है और निर्वाण दिन भी, सो मैं उसे याद करूंगा और उपवास भी रखूंगा। महात्मा जी, फ्रॉम टुडे अ न्यू गवर्नमेंट ऑफ अस इंडियंस इज टेकिंग चार्ज। What will be your advice to us? Be humble, beware of power. Power corrupts. Do not let yourselves be trapped by pomp and pageantry. Remember, you are in office to serve the poor in India's villages. Sabko Sanmati De Bhagwan.